इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर बड़ी जानकारी आ रही है। फिर एक्टिव होने लगा कोरोना। जी हाँ, कोरोना केसेस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। हरियाणा में बढ़ने लगे कोरोना के मामले। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 24 घंटे के दौरान 1000 से ज्यादा जो केस हैं वो बढ़े हैं। शुक्रवार को 1055 नए केस जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 416 मामले मिले हैं, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 4074 हुए एक्टिव मरीजों की संख्या, ये बड़ी जानकारी आ रही है। बड़ी खबर, एक शख्स की कोरोना से मौत हो चुकी है। तो राजधानी दिल्ली में भी खतरा जो है कोरोना का वो बढ़ने लगा है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार तीसरे दिन 2000 से ज्यादा केस हो चुके हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिर एक्टिव होने लगा कोरोना, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा में कोरोना के मामले एकाएक बढ़ने लगे हैं। बड़ी खबर, 24 घंटे के दौरान 1000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, ये बड़ी खबर आ रही है। शुक्रवार को 1055 नए केस दर्ज किए गए हैं। बड़ी खबर, गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 416 मामले मिले हैं। और पवन सिवर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से। पवन, एक बार फिर से कोरोना जो है उसका संक्रमण बढ़ने लगा है। हाँ जी बिल्कुल, हरियाणा में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं और ये काफी चिंताजनक जा सकता है। एक ही दिन में 1000 से ज्यादा कोरोना के मामले हरियाणा में सामने आए हैं। शुक्रवार को प्रदेश में आज जो है वो 1055 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। 4074 कोरोना के मरीजों की पॉजिटिव की संख्या इस वक्त हरियाणा में है। एक व्यक्ति कोरोना से मौत भी हुई है। इसके साथ साथ सबसे ज्यादा जो मामले सामने आए हैं वो 416 मामले गुरुग्राम में सामने आए हैं, यानी दिल्ली एनसीआर के साथ जो लगता हरियाणा का क्षेत्र है वहां पर लगातार कोविड के मामले ज्यादा तेज गति के साथ बढ़ रहे हैं। पवन, अब क्योंकि अभी फिलहाल स्थिति यहाँ पर यह है कि एक तरफ मॉकीपॉक्स का जो खतरा है वो भी लगातार बढ़ रहा है, वही दूसरी तरफ कोरोना पैर पसार रहा है, स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारियां हैं इस ओर? बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की बात करें तो हरियाणा के जो गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज है उनके मुताबिक पूरे प्रदेश में मॉकीपॉक्स से निपटने के लिए भी पूरी तैयारी की गई है। डॉक्टर्स को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं और विज के मुताबिक कोविड को लेकर हरियाणा ने बहुत बेहतर तरीके से काम किया है। वैक्सीनेशन की बात हो या कोविड के मरीजों के इलाज की बात हो, बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छे तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदेश के लोगों को उपलब्ध करवाई गई है। और अभी जो कोविड के मामले लगातार बढ़ने शुरू हुए उनकी वजह खासतौर पर यही डॉक्टर्स मानते हैं कि मौसम की जो तब्दीली है उसके कारण ज्यादा जो है वो एकदम से फिर से मामले जो है वो बढ़ने लगे। लेकिन हरियाणा के जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनका भी यही कहना है कि बहुत ज्यादा इससे घबराने की या चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि तमाम इंतजाम पुख्ता हैं और स्वास्थ्य सेवाएं पूरे प्रदेश में बेहतर तरीके से लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिवर तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं जो है उन्हें यहाँ पर लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं और हरियाणा में कोरोना के मामले जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मॉन्कीपॉक्स का खतरा एक तरफ और दूसरी तरफ कोरोना के मामले एकाएक बढ़ने लगे हैं।